और मैं हूं सुप्रिया, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल जिसका नाम है सुपीज हैप्पीनेस में। और आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं ये मेकअप लुक। और ये मेकअप लुक जो है वो एक इंस्पायर्ड मेकअप लुक है। अब उससे मैं इंस्पायर हुई हूं वो है दिया मिर्ज़ा। और रिसेंटली वो जापान में इन्होंने ये वाला जो मेकअप लुक के साथ एक फ़ोटो पोस्ट किया था अपने इंस्टाग्राम पर, एंड इट्स अ रिक्वेस्टेड वीडियो। वन ऑफ माई स्वीट सब्सक्राइबर कॉल्ड एज अ लिली पटेल, उन्होंने मुझसे ये रिक्वेस्ट किया था कि दी प्लीज़ आप दिया मिर्ज़ा का एक मेकअप लुक रिक्रिएट कीजिए। And this was the makeup look what she was posted in her Instagram. ओके सो जी पता है, मैं उन लोगों को बता दूँ, इंस्पायर्ड मेकअप लुक वो होता है कि कोई एक सेलिब्रिटी हो, कोई भी हो, उन्होंने ऑलरेडी एक मेकअप लुक बनाया हुआ हो विथ सम ऑफ द ब्यूटी प्रोडक्ट्स और उसी लुक को हम लोग रिक्रिएट करते हैं। लेकिन डिस्क्लेमर में मैं क्लियरली बता दूँ, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अगर वो उस तरह का मेकअप लुक अगर मैं क्रिएट करूँगी तो मैं दिया मिर्ज़ा के जैसे दिखूँगी, क्योंकि उनके फेस के फीचर्स मेरे फेस के फीचर्स बहुत ही डिफरेंट हैं। एंड द प्रोडक्ट व्हाट शी हैज़ यूज्ड, शायद मैंने उसको यूज़ नहीं किया है, लेकिन जो लुक मैंने उनके पोस्ट में देखा उसको देख के मुझे जो प्रोडक्ट्स मेरे पास अवेलेबल हो सके और मुझे लगा कि उसको यूज़ करके मैं तकरीबन उस मेकअप लुक तक अचीव कर सकूंगी, उसी लाइक मेकअप लुक को मैंने क्रिएट किया है। सो इन दिस वीडियो, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल एंड यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माय चैनल, देन गो क्लिक दिस रेड कलर बटन बिलो माय वीडियो विच से सब्सक्राइब, एंड आफ्टर दैट क्लिक इस तरह का एक बेल बटन आएगा उसको भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको मेरे अपडेट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके, क्योंकि मैं अपने चैनल में बनाती हूँ वीडियोज रिलेटेड टू द मेकअप, कुकिंग, DIY, हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरीज एंड मेनी मोर थिंग्स जो कि आपको हेल्पफुल होंगे आपके डे टू डे लाइफ में। मैं अपने चैनल में वीडियोस बना रही हूँ रिलेटेड टू डाइट, किस तरह का डाइट अगर आप फॉलो करेंगे तो आप लूज़ कर सकते हैं मिनिमम 4 to 5 kilos ऑफ वेट विद इन अ 1 week। अगर रहें तो डू वॉच माई वीडियो जो ऑलरेडी मेरे चैनल पे आ चुका है, एंड आई एम गिविंग यू अ फुल टू गारंटी, क्योंकि मैंने भी अपने प्रेगनेंसी के बाद बहुत सारा वेट जो है पुट ऑन कर लिया था, लेकिन उसको मैंने आसानी से रिड्यूस कर दिया। सो इफ़ यू आर रिलेटेड टू मी देन ऑब्वियसली आपको वो डाइट प्लान फॉलो करना चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद टुडे इज दिस मेकअप लुक। अपने फेस को मॉइस्चर करूँगी और उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ न्यू पॉन्ड्स का फॉर्मुलेटेड वाला ये वाला मॉइस्चराइजर, और इसको डॉटेड के हिसाब से मैं अपने पूरे फेस में अप्लाई करूँगी। और उसके अपने लिप को मॉइस्चर करने के लिए मैं यूज़ करूँगी लोटस हर्बल का ये रास्बेरी वाला लिप बाम। फेस में प्राइमर अप्लाई करूंगी और उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ कलर बार का ये वाला प्राइमर, ये बहुत ही अच्छा एंड बहुत ही अफोर्डेबल वाला प्राइमर है। इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ आईटेक्स डैजलर का मॉइस्चराइजिंग लिक्विड वाला ये वाला लिक्विड फाउंडेशन, इसमें सनस्क्रीन भी है, शेड है सनसेट R41। स्पंज के हेल्प से मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी अपने फेस में। के बाद अपने कंसीलर के लिए मैं ले रही हूँ ये वाला डैजलर इटर्न का मेकअप वाला स्टिक। स्टिक कंसीलर है तो इसको ऐसे डायरेक्टली मैं अपने आंखों के ऊपर रब करूंगी, से इसको अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी। सेट करने के लिए मैं यूज़ करूँगी अपना एक कॉम्पैक्ट पाउडर, और उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन नियो का ये वाला कॉम्पैक्ट, और इसमें भी SPF है। सो पहले अपने आँखों में अपने कॉम्पैक्ट को लगाऊंगी ताकि मेरा जो कंसीलर है वो अच्छे से सेट हो जाए। इधर मैं अपने सारे फेस में इस कॉम्पैक्ट को अप्लाई कर दूँगी। कम्प्लीटली स्मोकी है और हालर इफेक्ट वाला आई लुक भी नहीं है, लेकिन आई मेकअप में स्टार्टिंग में थोड़ा सा ब्राउन का ग्लिटर है एंड एंड अप विद अ डार्क वन, और उनके फेस में ज़्यादा ब्लश ऐसा कुछ नहीं दिखा मुझे। सो बट उनके चीक बोन में थोड़ा सा यू नो शाइनिंग था, सो उसके करते हैं हमारा आई मेकअप। सो मैंने उसके लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ मेबलिन का द न्यूड ये वाला आई शेडो पैलेट, और इसमें से मैं पिक करने वाली हूँ अपना ट्रांजिशन कलर के लिए ऊपर से ये फर्स्ट रो का ये 5th वाला आई शेडो जो है उसको मैं लूँगी एक नॉर्मल फ्लफी वाला ब्रश, और उस आई शेडो को मैं अपने आँखों के क्रीज में अप्लाई करूँगी बहुत ही हल्के से।
तरह का एक फ्लैट आई शेडो एप्लीकेटर वाला ब्रश और नीचे रो का जो फर्स्ट कलर है उसको और ऊपर वाला जो ये फोर्थ कलर है इन दोनों को मिक्स करूँगी और अपने आई लिड का जो मिडिल पोर्शन है वहाँ पे इसको अप्लाई कर दूँगी, ऐसे डैब करूँगी, रब नहीं करना है, इसको डैब करना है। से एंगल ब्रश लूँगी और उस ब्रश के हेल्प से इस आई शेडो पैलेट के फर्स्ट रो में जो लास्ट वाला है थोड़ा सा डार्क चॉकलेटी वाला कलर जो है उसको लूँगी थोड़ा सा ही और आउटर कॉर्नर से यहाँ तक मैं एक एंगल की तरह वी की तरह ऐसे एंगल दूंगी, ज़्यादा नहीं लेना है, बस थोड़ा सा एक ही बार अप्लाई करना है और उसके बाद एक क्लीन फ्लफी ब्रश की हेल्प से इसको मैं अच्छे से ऊपर की तरफ ब्लेंड कर दूंगी। ले रही हूँ ये वाला ब्रश जो मुझे आई शेडो पैलेट में मिला था और ऊपर वाला जो फर्स्ट कलर है आई शेडो, ये जो लाइट यू नो बेज का शिमर कलर है उसको थोड़ा सा ही मैं ले रही हूँ। एक्स्ट्रा को डस्ट करते हुए मैं अपने इनर कॉर्नर में थोड़ा सा ही अप्लाई करूँगी, इसे मैं ये वाला कलर इसमें पिक करूँगी और अपने आईज के हाईएस्ट पॉइंट जो है ब्राउज के नीचे इसको अप्लाई कर दूँगी। Done with both of my eyes, look so stunning. लुक के हिसाब से अगर देखा जाए तो उन्होंने बहुत ही सिंपल और बहुत ही पतला वाला आईलाइनर लगाया है अपने आँखों में। इट्स नॉट अ विंग लाइनर, सिर्फ अपने आँख के एंड तक ही एक थिन लाइनर अप्लाई किया है। सो उसी के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ अपना स्केच लाइनर, एक न्यू आईटेक्स डैजलर का ये वाला मस्करा और देन आई विल बी डन विथ माई आई मेकअप। मैंने अपना ब्राउज को क्यों नहीं किया, मैंने अपने ब्राउज को अच्छे से थोड़ी से कॉम कर दिया है क्योंकि मेरे नेचुरली बहुत ही इंटेंस वाले आईब्रोज है तो मैं कभी आईब्रो पेंसिल्स या तो आईब्रो ब्रशेस यूज़ नहीं करती हूँ बिकॉज इफ़ आई विल डू इट विल लुक सो वियर्ड, बहुत ही गंदा लगेगा। अगर आप चाहें तो आप अपने ब्राउज को अच्छे से किसी ब्राउ पेंसिल से या ब्राउ पाउडर से उसको अच्छे से डार्क कर दीजिए और उसके बाद फॉल्सेस भी ऐड कर सकते हैं आप। अगर बात करें तो उनके मेकअप लुक में जो था वो बहुत सारा ब्लश ऐसा कुछ नहीं था, बट उनके चीक बोन्स पे और एपल ऑफ द फेस में थोड़ा सा शाइन था और उसी शाइन को पाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मना कदर का ये ग्लो वाला इल्यूमिनेटर है। तो उसको मैं क्या करूँगी, इस तरह से अपने फिंगर में थोड़ा सा ही लूँगी क्योंकि ज़्यादा उन्होंने कुछ बोल्ड मेकअप लुक नहीं क्रिएट किया है एंड इसको इस तरह डॉट के हिसाब से यहाँ पे जो मेरा अपर फेस है ब्लश के ऊपर जो पॉइंट है वहाँ पे मैं थोड़ा सा ही इसको इस तरह से अप्लाई करूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं, और इसको अपने हैंड में ही मैं अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। आई डोंट नीड स्प्रे के हेल्प से मैं अपने सारे मेकअप को जो है सेट कर दूँगी, अपने सारे फेस में उसको डैप कर दूंगी ताकि जो भी एक्सेस है मेरे मेकअप में वो सारा इस स्पंज के हेल्प से बैक आ जाएगा और जितना रिक्वायर्ड है मेकअप वो मेरे फेस में रह जाएगा। ये है लिप्स की और लिप्स के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ दो लिपस्टिक्स और वो दोनों के दोनों है लैकमे 925 का कमांड और उसको मैं अपने लिप्स के आधे में अप्लाई करूँगी। इसमें ले रही हूँ ये वाला क्रिम्सन कैच लिपस्टिक, चेंज कर देती हूँ ताकि एकदम सेम लगे। फाइनल लुक, आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मैंने यूज़ किया है वो सारे प्रोडक्ट के डिटेल आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे एंड डू फॉलो मी ऑन माई सोशल पेजेस और सारे पेजेस की डिटेल आपको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले में दिख जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।